नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कोरोना को देखते हुए लगातार स्थिति गंभीर ही होती जा रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मात्र 5-6 दिनों में लॉकडाउन की 2 नई गाइडलाइन दोस्तों जारी कर दी हैं। इनमें धार्मिक स्थलों को खोलने से संबंधित, वाहन चलाने से संबंधित तथा दोस्तों जो नाइट कर्फ्यू की अवधि है वो रात्रि 11 बजे से लेकर और सुबह दोस्तों 5 बजे कर दी है। वहीं राज्य के एक जिले यानी कि राजधानी जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक की जो स्कूल हैं वो 9 जनवरी तक दोस्तों बंद कर दी गई हैं। शादी विवाह की अगर हम बात करें तो शादी विवाह में 100 व्यक्ति फिक्स कर दिए गए हैं और इसमें बैंड बाजा वादक हैं दोस्तों वो अलग से गिने जाएंगे। वहीं अंत्येष्टि की बात करें तो दोस्तों 20 व्यक्ति इसमें सिर्फ कर दिए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति संभल नहीं रही है और ऐसा लगता है कि मानो राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन दोस्तों लागू हो जाएगा। आपको बता दें जो राजस्थान का चूरू जिला है दोस्तों, उसमें मात्र दोस्तों 1 या 2 दिन का धारा 144 वहां पर लागू की गई थी। वहीं उससे पहले दोस्तों जो जयपुर है यहां पर पार्कों के जो खुलने का समय है वो दोस्तों क्लियर किया गया था, नियंत्रित किया गया था। दोस्तों आप सभी को सावधानी पूर्वक रहना है क्योंकि यह कोरोना वेरिएंट का जो दोस्तों 32वां रूप है जो कि ओमिक्रॉन है और इसे B.1.1.529 भी कहते हैं, बहुत ही घातक है। हम सभी को दोस्तों इसे बचकर रोकना है और दोस्तों हमें सैनिटाइजिंग, थर्मल पावर स्कैनिंग और जो COVID-19 प्रोटोकॉल्स के नियम हैं उनका दोस्तों अच्छी तरह से पालन करना है। दोस्तों ऐसा ना हो कि दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो यह फैसला लेती है लॉकडाउन लगाने का दोस्तों मजबूरन ही लेती है। कहीं ऐसा ना हो हमारे मुख्यमंत्री दोस्तों मजबूरन लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लें। इसलिए दोस्तों देखिए जो सेफ्टी है वो सबसे प्रथम है। दोस्तों हर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें, स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है, लगातार पाबंदियां बढ़ती ही जा रही हैं, नई गाइडलाइन लगातार आती ही जा रही हैं। दोस्तों देखते हैं 4 हफ्ते में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसा संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आपको नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।